साल 1988, जगह मालदीव और बहादुरी भारतीय सेना की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कभी भारत ने मालदीव पर इतना बड़ा एहसान किया है कि जिसे भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। अब आप कहेंगे कि भाई आखिर भारत ने मालदीव पर ऐसा भी क्या एहसान कर दिया था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना जान लीजिए कि भारत ने मालदीव के राष्ट्रपति को बचाया और मालदीव के लोगों को गुलाम होने से बचाया था। हम बात कर रहे हैं उस ऑपरेशन की जिसे करने की ना तो अमेरिका हिम्मत जुटा पाया था, ना चीन और ना ही पाकिस्तान। तो आज हम इस वीडियो में भारतीय सेना के उस अदम्य साहस के बारे में जानेंगे जिसे आज एहसान फरामोश मालदीव भूल चुका है। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, बात 1988 की है जब मालदीव बुरी तरह से संकट में घिर गया था। नवंबर का महीना था और मालदीव की राजधानी में खुलेआम सड़कों पर नकाबपोश हथियार बंद हथियारे खुलेआम घूम रहे थे। 3 नवंबर को मालदीव की राजधानी पर संयोजित घुसपैठियों ने दो तरफा हमला बोला। उस वक्त वहां के राष्ट्रपति थे ममून अब्दुल गयूम। गयूम खतरा देख सुरक्षित स्थान पर जा छिपे और वहीं से कई देशों से मदद मांगी। अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका, चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में इमरजेंसी संदेश भिजवाए गए, लेकिन भारत को छोड़कर कोई भी देश सीधे मदद को आगे नहीं आया। पाकिस्तान ने तो हाथ ही खड़े कर लिए। उस वक्त भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मालदीव की मदद करने का फैसला लिया। तत्कालीन राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम, जो कैद से भागने में सफल रहे, उनके संदेश का भारत ने जवाब दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक मीटिंग बुलाई और पैराट्रूपर्स और नौसैनिक युद्धपोतों को द्वीप राष्ट्र में भेजा। हस्तक्षेप के अनुरोध के कुछ घंटों बाद 3 नवंबर 1988 की रात को ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया गया। भारतीय पैराट्रूपर्स ने राष्ट्रपति को बचाया और जल्द ही राजधानी का नियंत्रण मालदीव को वापस कर दिया। कुछ भाड़े के सैनिकों को पकड़ लिया गया और उनको सरकार को सौंप दिया गया। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के विजिटिंग फेलो डेविड ब्रूस्टर ने इंडियाज ओशियन द स्टोरी ऑफ इंडियाज बिड फॉर रीजनल लीडरशिप में लिखा कि इस ऑपरेशन के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली। एक वेबसाइट के प्रकाशित पुस्तक के अंश में कहा गया कि राष्ट्रपति रीगन ने इस मामले में भारत की निर्णायक कार्रवाई की सराहना की। पड़ोसी देश मालदीव शायद उस एहसान को भूल गया जब 1988 में अब्दुल्ला लुतुफी के नेतृत्व में मालदीव के एक समूह ने मालदीव में सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। इस समूह को श्रीलंकाई तमिल अग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम यानी PLOTE के सशस्त्र भाड़े के सैनिकों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन कैक्टस से मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को विफल कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, 1965 में मालदीव की आज़ादी के बाद से उसे मान्यता देने और देश के राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले देशों में भारत पहले नंबर पर है। मालदीव ने नवंबर 2004 में दिल्ली में एक पूर्ण उच्चायोग खोला जो उस वक्त दुनिया भर में इसके केवल 4 राजनयिक मिशनों में से एक था। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF के लिए बड़ी संख्या में ट्रेनिंग के अवसर प्रदान करता है। भारत ने MNDF को हवाई सेवाएं भी प्रदान की हैं। मालदीव को भारत कई बड़े आर्थिक अनुदान दे चुका है। कोरोना के वक्त भी जब दुनिया महामारी से जूझ रही थी तब 1,00,000 से अधिक वैक्सीन की खुराक मालदीव पहुंचाई गई थी। मालदीव पर जब जल संकट आया तब भारत ने मदद पहुंचाई थी। मालदीव की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा पर्यटन है और भारत से रिकॉर्ड संख्या में सैलानी मालदीव जाते रहते हैं। शायद यह सब बातें मालदीव भूल चुका है। तो दोस्तों, एहसान फरामोश मालदीव के लिए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।